तो ओवरले बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कान मास्टर की। तो कान मास्टर में मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, और यहाँ प्रोजेक्ट के साथ मैं एक यहाँ पर ब्लैक सैम्पल यूज करता हूँ बैकग्राउंड के लिए। इस तरह से मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा ब्लैक बैकग्राउंड जो है हमारा, ये HD का है, और इसको बाद में ठीक से टाइमलाइन पर रख लूँगा। अब मैं मीडिया में जाकर मेरे द्वारा बनाई गई जो कुछ इमेजेस हैं PNG की, तो उनको मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगा। ये इस टाइप से मैंने बनाई है, ये फोटोशॉप या पिक्सआर्ट से आप बना सकते हो। इस टाइप से ग्रीन कलर में ही होना चाहिए ताकि हम इसको हटा सकें बाद में। तो मैं यहाँ से इस तरह से बना के यहाँ पर रख लेता हूँ, थोड़ा ऐसा कर देता हूँ ताकि बेटर लगे। इसको थोड़ा और क्रॉप करके इसको थोड़ा फ्लिप करना होगा हमें, तो मैं यहाँ से फ्लिप कर देता हूँ इस तरह से, तो एंगल सही लग रहा है। इस तरह करके मैं इसको जमा लूँगा ठीक से, और इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा मैं, और इसी को डुप्लीकेट करके इसकी कॉपी जो है इसके थोड़ा साइड में रख दूँगा इस तरह से। अब इसी तरह मैं इसको भी डुप्लीकेट कर लूँगा, और बाकी इसकी समथिंग 6 कॉपीज़ बना लूँगा, और सभी को इस तरह से रख लिया जाएगा जिस तरह से मैं रख लिया हूँ। इस तरह से 6 कॉपीज़ बन गई हैं इनकी, और इस तरह से मैंने रख लिया है। अब ज़रूरत है मैं इनको एनिमेट करने की, तो यहाँ पर मैं की फ्रेम पर जाता हूँ, और यहाँ स्टार्टिंग का पॉइंट, यहाँ लास्ट का पॉइंट कर लेता हूँ मैं। लास्ट के पॉइंट में हमें कैसे करना है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इस तरह से। ये जो एनिमेट होगी तो नीचे से ऊपर जाएगी धीरे धीरे। मैंने लास्ट के थोड़ा पहले इसलिए किया है ताकि धीरे धीरे जा, फिर यहाँ से जो है थोड़ा फास्ट जाएगी। अब इसी तरह अब जो ऊपर वाली है उसको मैं नीचे की साइड एनिमेट करूँगा की फ्रेम का यूज करके, लेफ्ट साइड में जो की बनी हुई है उसी पर टच करके। इसको नीचे की साइड में एनिमेट कर दूंगा ठीक से, जमा लूंगा इसको। अब इसी तरह से जो ऊपर वाली है मैं उनको नीचे की तरफ एनिमेट कर दूंगा, जो नीचे वाली है उनको ऊपर की तरफ एनिमेट कर दूंगा। इसी तरह से मैं सभी को जो है एनिमेट कर दूंगा, और इस शेप को चाहे तो आप ऐसा, और आप अपनी मर्जी से, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप जैसा चाहो वैसा एनिमेट कर सकते हो, और जो शेप हैं वो जिस तरह की चाहो आप बना सकते हो। ये ओवरलेज हैं जो रिमिक्स सॉन्ग में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, इस तरह से एनिमेट हो रहे हैं। अब इनको यूज भी कर सकते हैं। अब मैं इनको सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेता हूँ अपने जो है मीडिया पर, जो मोबाइल में आ गया है। अब इनको मैं यूज करके देख लेता हूँ, मैं किसी भी एक फ़ोटो पर कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो मेरे पास है नहीं फिलहाल। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं लेयर करता हूँ। आप इसको क्रोमा की से मैं इसका ग्रीन कलर जो है रिमूव कर दूंगा। आप इस ओवरले को आप चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं जिस पर क्रोमा की या ग्रीन स्क्रीन वाला फीचर है। बेसिकली मैं ये फिल्मोरा के लिए बनाया हूँ। अब इसको प्ले करके देखते हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने क्वेश्चन एंड सजेशन के लिए कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।